गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN द स्कूल। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 5 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है दूब। यह एक कविता है। दूब का मतलब होता है घास, जो हमने अपने घर के गार्डन और खेल के मैदान में देखी है, यह वही दूब है। और इस पाठ में घास की विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि वह किस प्रकार उगती है, किन कठिनाइयों का सामना करती है और उसको कितनी पानी की ज़रूरत होती है और वह कहाँ कहाँ उगाती है। तो बच्चों, आज हम इस कविता का रसास्वादन करते हैं। दूब दूब प्यारी दूब, नन्नी नन्नी न्यारी दूब, कि दूब तुम बहुत ही प्यारी हो, छोटी छोटी सबसे अलग हो, गांठ गांठ से फैल फैल कर चारों ओर पसरती दूब। और बच्चों, आप सब ने घास को देखा ही होगा, तो मैं उसके बारे में बताती हूँ कि घास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, वो थोड़ा सा उगेगी तो उस पर एक गांठ जैसी एक चीज़ आ जाती है, फिर वहाँ से बढ़ेगी, फिर उस पर एक गांठ बन जाती है। तो यह एक गांठ से दूसरी गांठ से जुड़ती हुई चारों तरफ फैल जाती है। ऊबड़ खाबड़ बंजर धरती, उस पर खूब लहरती दूब। और जो ये घास है, वह कैसी भी धरती हो, चाहे समतल हो, ऊबड़ खाबड़ हो, उस पर आसानी से उगाती है और लहराती रहती है। लकड़ी पत्थर से दबने पर उसको खूब जकड़ती दूब। और ये जो घास है, वो लकड़ी और पत्थर से दबने पर, हमने देखा है कि जो खेल के मैदान या जो खेत होते हैं, वहाँ पर पत्थर भी होते हैं, लकड़ी भी पड़ी रहती है, तो उनके नीचे से भी यह आसानी से निकल आती है। तेज धूप हो, सनसन लू हो, तो भी नहीं उजड़ती दूब। और आगे, चाहे कितना भी तेज़ धूप हो, सनसन लू, लू का मतलब होता है गर्मियों में चलने वाली तेज़ गर्म हवा, उससे भी यह नष्ट नहीं होती है, तो भी नहीं उजड़ती दूब, तो भी यह नष्ट नहीं होती है। आंधी अंधड़ ओले बरसें, कभी नहीं घबराती दूब। और चाहे कितना भी तेज़ आंधी अंधड़ आए, ओले बारिश हो, तो भी यह दूब नहीं घबराती है, यह उनका सामना करती है। थोड़ा सा पानी मिल जाए तो मुस्कान लुटाती दूब। और इस घास की सबसे अच्छी एक विशेषता यह है कि इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसको थोड़ा सा पानी ही मिलने पर यह हरी भरी रहती है। रोज रात भर ओस की बूंदों से है खूब नहाती दूब। और हमने देखा होगा बच्चों कि जब हम सुबह उठते हैं तो घास गीली रहती है, तो वो किसके कारण होती है, ओस की बूंदों के कारण। ओस रात को गिरती है और घास के मैदानों में, घास के ऊपर या पेड़ पौधों की पत्तियों पर वो जम जाती है। इसका मतलब है कि रोज़ाना जो घास है, वो उसकी बूंदों से नहाती है और बड़ी होती है। सूरज के उगते ही देखो सतरंगी हो जाती दूब। और जब उसकी जो बूंदें हैं, जब वो घास पर रहती हैं, तो सूरज के उगते ही जो सूरज की किरणें जब उस घास पर जमी उसकी बूंदों पर पड़ेगी, तो उससे सतरंगी किरणें निकलने लगती, तो ऐसा लगता है कि ये घास सतरंगी हो गई है। नहीं किसी से हारी दूब, करती सबसे यारी दूब। ये घास किसी से हारी नहीं है, अर्थात किसी भी परिस्थिति में कहीं पर भी ये आसानी से उग आती है, करती सबसे यारी दूब। और ये किसी से डरती नहीं है, तो इसका मतलब है कि यह सबसे मिलके रहती है, सबसे दोस्ती करके रहती है। दूब दूब प्यारी दूब, नन्नी नन्नी न्यारी दूब, कि दूब तुम बहुत प्यारी हो, छोटी छोटी और सबसे अलग हो। तो बच्चों, आज हमने इस घास के बारे में पढ़ा कि वह कैसे उगी, उसने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और किस तरीके से वो बड़ी होती है, किस तरीके से फैलती है। तो बच्चों, आप भी अपने घरों में घास लगाना, तो उससे हमें और अच्छे से पता चल जाएगा कि घास किस तरीके से उगती और बड़ी होती है। धन्यवाद।